गैस तो गाड़ी दो दिन से फंसी हुई है और ऐसी फंसी थी आप देख सकते हो कि हमने जैसे भी लगा लिया, दो दो ट्रैक्टर लगा लिए एक साथ में, बट गाड़ी जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। गाइस जैसा कि आप लोग सभी जानते हो रिसेंटली फॉर्च्यूनर हमारी टीम में नई नई आई है, बट उसको ये पता नहीं है कि उसका बैंड बजना आज से शुरू होने वाला है। क्योंकि गाइस आपको पता है हमने कुछ टाइम पहले थार का भी बैंड बजा रखा है, ये अभी तक रो रही है। साथ ही साथ गाइस आज हमारे पास ट्रैक्टर भी है, इसके भी हम वाट लगाने वाले हैं। आइए करने क्या वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस तो हमने यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके के बहुत ही तगड़े ट्रैक बना रखे हैं, जिसके अंदर हम चेक करने वाले हैं कि फॉर्च्यूनर में, थार में और ट्रैक्टर में कितना कितना दम होता है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सट्रीम मड बना रखा है, गाइस इसके अंदर फॉर्च्यूनर दौड़ेगी, थार दौड़ेगी। आप देख सकते हो बहुत बड़ा ग्राउंड बना रखा है, इसको अगर पार कर लिया और पार नहीं भी किया तो उसके बाद आएगा हमारा दूसरा ट्रैक। ठीक है गाइस, इस ट्रैक को सक्सेसफुली पार करने के बाद दूसरे नंबर पर ये वाला जो ट्रैक है ना भाई साहब, ये गाड़ी की बैंड बजा देगा। क्योंकि ये जो हमने ट्रैक बनाया है इसमें होता क्या पता है, दो टायर जमीन में चिपकते हैं और दो टायर हवा में होते हैं। मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे इसकी बारी आ जाएगी आपको पता लग जाएगा। और सबसे खतरनाक ये गड्ढा, इसको पार करना हार के बस की भी बात कभी कभी नहीं होती है। तो क्या फॉर्च्यूनर इसमें से निकल पाएगी? हम गाड़ी वहां से डालेंगे, उस तरफ से गाड़ी आएगी, इसमें से निकलेगी और यहां तक अगर पहुंच गई तो भाई साहब वो गाड़ी जीत जाएगी। अब आप बताना कि ट्रैक्टर, थार या फिर फॉर्च्यूनर, इन तीनों में से कौन जो वो सबसे ज्यादा बेस्ट काम करने वाला है। ठीक है, हम चलते हैं, अभी शुरू करते हैं। आप क्या करिए, फटाफट से लाइक का बटन है वो दबाइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज हम फॉर्च्यूनर की वाट लगाने वाले हैं। तो गाइस अभी ट्रैक्टर की बारी आई, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स का गिवअवे चल रहा है हमारे चैनल पर। इसे जीतने के लिए आपको सिंपली करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक दो प्यारे से कमेंट और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, इतना कर लेना और हम आपको दे देंगे आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मेरे इंस्टा पर आएगा, तो अभी इसको शुरू करना है ना, धक्के से करेंगे ना, धक्का लगाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं गाइस, इसकी बैटरी हमने निकाल कर रख दी थी, अभी इसको धक्के से ऑन किया जाता है। ओके, 3 2 1, गजब बेइज्जती है। गाइस पता नहीं ट्रैक्टर में क्या हो गया, ऑन नहीं हो पा रहा। अभी इसको खींच रहे, पहले पीछे तो धक्का दिया बट ऑन नहीं हुआ, अभी आगे खींच रहे, हो सकता है ऑन हो जाए, नहीं तो भाई इसको रखना पड़ेगा साइड में। गाइस तो फाइनली हमारा ट्रैक्टर ऑन हो चुका है, रेडी। गाइस तो पहले ट्रैक में ऑफ रोडिंग के लिए ट्रैक्टर जा रहा है अभी। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां तक, यहां तक ना घुमा लिया, यहां तक भैया बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं कर रही, बट जैसे यहां पर पहुंचा आप देख सकते हो इसके टायर्स वगैरह में बहुत ज्यादा मड जो वो जमा हो चुका है, ग्रिप वगैरह हो गई एकदम खत्म और ट्रैक्टर ने यहीं पर दम तोड़ दिया। तो पहले स्टेज में ट्रैक्टर हमारा हो गया फेल। निकालो बड़ा ट्रैक्टर, आज तो मजे है भैया, ट्रैक्टर की बैंड बज गई, ट्रैक्टर पहला स्टेज पार नहीं कर पाया। अभी थार फॉर्च्यूनर जो बाकी है, खींचो, बस, ए धक्का लगाओ, ये से नहीं निकलेगा। गाइस तो ट्रैक्टर फंस चुका है, मुझे भी उतर जाना चाहिए। गाइस ट्रैक्टर पूरी तरीके से फंसा है, खींचो, जाने दो, खींचो, गया, खींचो, जाने दो, टायर जाम हो गई। तो गाइस पहले स्टेज में तो ट्रैक्टर जो बुरी तरीके से हार गया और मैं फंसा भी ऐसा कि खुद निकल भी नहीं पाया। अब इसको स्टेज टू में लेकर जा रहे, देखते क्या होता है। बस गाइस तो हमारा ट्रैक्टर लेवल टू में आ चुका है, जहां पर इस ट्रैक में से इसको निकलना है, होपफुली ये कर लेगा। अंदो
ओए तेरी। अरे यार गाइस तो ट्रैक्टर तो फेल हो रहा है क्योंकि मिनी ट्रैक्टर। ओए तेरी। ओए 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 ध्यान से पकड़ना पकड़ना। हां भाई साहब ये खतरनाक है, इसको नहीं डालते आगे में, ठीक है? ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये छुटकू सा है। आप देखो यहां पर आओ भाई साहब, इतना ऊपर हो गया, गिरने की कगार पर है गाइस। तो अभी इसको आगे नहीं ले जाते, नेक्स्ट स्टेज में इसका कोई काम ही नहीं है ना। हाँ। पार ही नहीं कर पाएगा भाई, पक्की बात है। तो इसको करते हैं कैंसिल गाइस। सार के लिए भी ये सच में मुश्किल होगा, बट देख लेते आगे क्या क्या होता है। और ये सारी चीज हम 4x2 में ही चलाने वाले हैं, फॉर्च्यूनर 4x2 है तो ये भी 4x2 में ही रहेगी, ठीक है गाइस। तो हम निकल रहे हैं गाइस। आते ही दिक्कत कर रही है था, थोड़ी थोड़ी लगता है स्पीड में डालनी पड़ेगी। इसमें फॉर्च्यूनर कहाँ घुसेगी भाई। इस बार हमने जो ट्रैक बनाया ना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल बना दिया। लो नहीं करेगी ये, क्या लगता है? 4x4 डालना पड़ेगा। चलेगा 4x4 डाल दू? हाँ डाल दो। ठीक है गाइस, अभी हमने डिसाइड किया 4x4 डालते हैं। जैसे ही 4x4 डाला भैया, मक्खन की तरह गाड़ी जो चलने लगी है। गई गई भाई, फुल आरपीएम पे जा रही है, फुल आरपीएम, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। देख ली ना पावर, ओ दस गई पूरी। गाइस तो अभी धक्के का सहारा ले रहे थार में। चलो लगाओ लगाओ, टूट गया। भाई साहब हमने बहुत बुरी फंसा दी थार को, आप देख सकते हो इतनी तो उसका वो होता ही नहीं है, नीचे ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होता उतना। जो हमने गड्ढा बना दिया आप देख सकते हो, पीछे से जो बेस होता है ना उसमें पूरा का पूरा जो कीचड़ फंस चुका है, अभी आगे नहीं बढ़ेगी, ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा। बोलो धक्का लो, धक्का निकल रही है, दो धक्का दो, निकल रही है निकल रही है। ओ तेरी, 4x4 की बैंड में की 4x4 4x6 हो गया, ट्रैक्टर आ गया इतना बड़ा फिर भी नहीं निकल भाई। अब सोचो गाइस इसमें से कुछ आवाज आने लगी, इसे पत्थर वगैरह डालो मस्त मस्त।
गाइस तो अभी हमने थार की बैंड बजा दी है, पता नहीं फॉर्च्यूनर के साथ क्या होने वाला है। आप देख सकते हो थार भाई पूरी तरीके से धस चुकी है। कोई देखो आधा आधा आदमी घुस रहा है इसमें, इतनी ज्यादा धसा दी है हमने। अभी फॉर्च्यूनर वहां से रो रही है कि मेरी बारी ना आ जाएगी। ट्रैक्टर गाइस कब से निकाल रहा है भाई, ट्रैक्टर निकाल नहीं पा रहा है। गाइस अभी जुगाड़ किया जा रहा है, ट्रैक्टर जो नहीं निकाल पाया इसके लिए यहाँ पर हम एक रास्ता बना रहे हैं। थार कभी ऐसी नहीं बोलती है भाई, इस बार जो हमने ट्रैक बनाया है ना नेक्स्ट लेवल है। चलो चलो दम लगा के। आ टूट गया, आ टूट गया। गाइस तो गाड़ी दो दिन से फंसी हुई है और ऐसी फंसी थी आप देख सकते हो कि हमने जैसे भी लगा लिया, दो दो ट्रैक्टर लगा लिए एक साथ में, बट गाड़ी जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अभी हम कुछ अलग आइडिया लगा रहे हैं, इसको जेक लगाकर पहले ऊंचा कर रहे हैं और नीचे से जो सरफेस है उसको क्लीन कर रहे हैं, तब जाके मैं भी निकल पाए। बट अभी भी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, दो दिन से फंसी हुई है गाड़ी। दिन की मेहनत के बाद हमारी थार बाहर आई है, तो पहले ट्रैक में वो हो गई बुरी तरीके से फेल। अब आया है हमारा दूसरा ट्रैक, इसके बारे में मैं कुछ समझाता नहीं हूँ, आप खुद देख लेना इस ट्रैक में क्या क्या हो सकता है। लेट्स गो। वो गाइस एक तरफ पूरी जो गाड़ी झुक चुकी है, देखते हैं निकल पाती है या फिर नहीं। भाई दम तो लगाना पड़ रहा है गाड़ी को। निकल जाएगी? हाँ ट्राई करो, निकल जाएगी। भाई साहब गाइस पता नहीं फॉर्च्यूनर का इसमें क्या होगा। इसके लिए बहुत इजी रही। अभी तीसरे ट्रैक में जाने वाला है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, पता नहीं वहां से गाड़ी बंद बाहर आ पाएगी या फिर नहीं। लेट्स सी, अब जाए तीसरे ट्रैक में। हाँ चलते, ठीक है। तो गाइस अब जा रहे हैं हम तीसरे ट्रैक में, जिसमें बहुत बड़ा स्लोप है और साथ ही साथ अंदर बहुत सारा कीचड़, साथ ही साथ पानी भी है। अब मैं देना करने को, अब फॉर्च्यूनर लाए। गाइस तो हम क्या कर रहे हैं पता है, अब फर्स्ट ट्रैक है ना जिसमें थार धस गई थी उसमें फॉर्च्यूनर नहीं डाल रहे, क्योंकि 4x2 है और 4x4 अगर धसती है दो दिन बाद निकलती है तो 4x2 उसमें डालने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो बाकी के दो ट्रैक बचे ना उससे शुरू करते, ओके। तो गाइस सीधा शुरू करते हैं अपने दूसरे लेवल से, देखते हैं क्या होता है इस लेवल में। मुझे लगता है इसके लिए ये भी हार्ड रहेगा। हाँ आ जाइए। ओ पीछे घूम रही है भाई, ये टायर तो उठ गया भाई। टायर सीधे करो, टायर
टायर सीधा करो। तो गाइस देखा, मैं बोल रहा था ना, ये जो दूसरा स्टेज है उसके बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है। जब गाड़ी अपने आप आएगी तो पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि दो टायर रहते हैं हवा में और दो टायर जमीन को टच करते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने 4x4 में यहां से थार निकाली 4x2 में, वो निकल कर आ गई क्योंकि शॉर्ट गाड़ी है। बट ये तो आप देख रहे हो, तो टायर हवा में जा रहे, देख रहे ना। अब यार मुझे ये हो रहा है कि इसका लास्ट स्टेज में क्या होगा। गाइस तो फॉर्च्यूनर को बहुत सारी दुआएं दो, क्योंकि पता नहीं इस लेवल में क्या क्या हो सकता है। फॉर्च्यूनर धस गई तो बहुत बुरा होगा, और इसका वो लेवल होता है ना वाटर का, वो भी इतना ज्यादा नहीं होता ऊपर की तरफ। अब तीसरे में गाइस फॉर्च्यूनर का क्या होता है, लेट्स सी। चली जाएगी एकदम से लेना। ऐसे सीधे नहीं निकल रही थी, आज जुगाड़ लगाना पड़ा। पहले पीछे लिया मैंने पेंडुलम इफेक्ट का जो यूज किया गया यहाँ पर, और इजीली गाड़ी को निकाल लिया। मुझे नहीं लग रहा था यार इसमें निकल भाई। हाँ, मुश्किल लग रहा था। बट गाइस गाड़ी चलो अपने आप निकल आई है, बिना कोई धक्के के, बिना कोई सहारे के। तो कह सकते हैं गाइस ये गाड़ी जो वो इतनी कैपेबल नहीं है ऑफ रोडिंग की जितनी थार है। बट तीसरा लेवल जो कि थोड़ा सा हार्ड है, उसमें से ये पार कर आ गई दूसरे में। फिर पहले में तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 10 दिन ना, तो ये 10 दिन तक नहीं निकल पाती। बट जो भी हुआ गाइस, फॉर्च्यूनर तीसरे लेवल क्लियर तो कर ही गई।